हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी डिज़ाइन। आज के वीडियो में हम ये कटवर्क डिज़ाइन वाला बॉट नेक बनाएंगे। इस नेक की परफेक्ट एंड इक्वल शेप में कटिंग कैसे करते हैं और साथ ही साथ बॉट नेक को राइट शेप कैसे देते हैं, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये जो कटवर्क वाला डिज़ाइन है इसको बॉट नेक की शेप में काटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसके ये कैनवास की कटिंग से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले कैनवास ले लें। यहाँ पे मैंने कैनवास लिया है। यहाँ पे पेपर पेस्ट भी आप ले सकते हैं और उसको आप डबल कर लें। इसकी विड्थ आप यहाँ पे 5 इंच रखेंगे और इसकी लेंथ जो है 8 इंच रखेंगे। आप 7 इंच भी रख सकते हैं। थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे 8 इंच इसकी लेंथ ले रहे हैं। तो अभी हम पहले बॉट नेक की शेप में यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉट नेक को जितना डीप रखना है वो मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं 5.5 इंच यहाँ पे बोट नेक डीप रख रही हूँ और इसकी विड्थ जो है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ। देन आप इसकी मेजरमेंट को मार्क कर लें। यहाँ से नीचे से भी आप इसको 4 इंच पे मार्क करें। देन एक स्क्वायर बॉक्स बना लें और उसके बाद इसको एक राउंड शेप दे लें। तो यहाँ पे डीप मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि हमने ये कट वाला डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे हमें डीप 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे आपने एक राउंड शेप देनी है। राउंड शेप देनी है बहुत ही ईजिली आप दे सकते हो। सिंपल एक जगह पे आप अपना फिंगर मिडल फिंगर रखेंगे और देन उसी पॉइंट पे आपने उसको रोटेट करना शुरू करना है। तो ये आपकी बॉट नेक की जो शेप है वो एग्जैक्ट राउंड शेप आएगी। तो इसी तरीके से आप फिंगर को मिडल फिंगर को एक जगह स्टेबल करके देन आप क्लॉकवाइज अपने थंब और फर्स्ट फिंगर को मूव करेंगे। तो ये राउंड शेप आ गई है, बहुत ही क्लियर राउंड शेप आई है। उसके बाद अभी आप आधा आधा इंच एक और ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे और ये दोनों मार्क को आप एक राउंड शेप दे लें। ये आधा इंच का डिस्टेंस लिया है हमने और राउंड शेप देने के बाद आप इसकी कटिंग करेंगे। आपने ये जो नेक डिज़ाइन की कटिंग करनी है ये जो अभी आपने मार्क लगाया है इसी के ऊपर ही करनी है। और ये कटिंग करने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट जो है बॉट नेक की कटिंग आ जाएगी। उसके बाद अभी हम इसका कटवर्क के लिए जो है वो डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने सबसे पहले यहाँ पे 1.5 इंच का नीचे की तरफ एक और मार्क लगाना है। यहाँ से आपने ये कटिंग करी है वहीं से आप 1.5 इंच मार्क कर लें और उसको भी आप राउंड शेप में कट मार्क करके आप ये ड्रॉ कर लें एक राउंड शेप। तो टोटल यहाँ पे आपने 3 जो है मार्क लगाने हैं, एक आधा इंच पे और एक 1.5 इंच पे, और टोटल 3 हो जाएंगे ये हमारे पास। और फिर इसी के ऊपर ही ये कटिंग होगी। कटिंग करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक मेजरमेंट ले लें कुछ भी राउंड शेप में, जो भी आपके पास कोई कैप है वो ले लें। तो मैंने यहाँ पे एक बच्चों का खिलौना लिया है, उसकी जो विड्थ है वो 2 इंच है। तो अभी उसी के ऊपर ही हम ये जो है डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से बनाना है कि ऊपर से इसका फ्रंट जो है, ऊपर जो कट लगाया है वहाँ पे टच होना चाहिए और साइड पे मार्जिन रखते हुए दोनों लाइन को आपस में अटैच करके फिर आपने ये जो है ड्रॉ करना है। जब आप इसको ऊपर की तरफ पूरा रखेंगे और साइड पे इसका कनेक्शन दूसरी लाइन के साथ ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वल शेप में आपकी इसकी कटिंग होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे टोटल 4 कट आ रहे हैं एक तरफ के, और 4.5 एक्चुअली आ रहे हैं। तो हम हाफ वो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा स्ट्रेट भी चाहिए होता है, तो इसलिए ये हाफ वाला हम नहीं बनाएंगे, यहीं से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जब हमने कटिंग करनी है तो ये जो आधा इंच वाला मार्जिन लिया था ये हमने कटवर्क को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए दिया था, और जो कटिंग है वो आधा इंच जो हमने बीच वाली लाइन है उसके ऊपर और उससे हल्का सा नीचे जा सकते हैं, उसके ऊपर हमने नहीं रखना, थोड़ा सा नीचे की तरफ कट देना है। तो इसी तरीके से वो लाइन ड्रॉ की थी हमने ताकि हमें एक आइडिया रहे कि हमने कितना कट इसमें लगाना है। तो इस तरीके से हम ये कट डीप रखेंगे और इससे हमारे जो कट हैं वो इक्वल शेप में इक्वल साइज में कट होगा। तो टोटल 3 लाइन ड्रॉ करके फिर आपने ये कटवर्क जो है करना है। और
और ये हमारी कटिंग हो गई है, ऊपर से हमने इसको स्ट्रेट कर दिया है। एक्चुअल में ऊपर से जो 4 इंच था वो 4 इंच आ गया है, नीचे से हमारा 5 इंच का आ गया है। नेक जो तैयार होगा वो 4.5 इंच का तैयार हो जाएगा। टोटल 8 कट आए हैं और 8 कट की एक जैसी शेप आई है, ये आप देख सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर ये कटिंग हुई है और ये बोट नेक की शेप में आया है। तो अभी हम इसको इस नेक को तैयार करेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ये नेक को उस फैब्रिक के ऊपर रखें जिस फैब्रिक के साथ आप इसको अटैच करेंगे और उसको पिनअप कर लें आप, ताकि ये सही शेप में स्टिच हो और इसकी शेप जो है वो बिगड़े ना। तो आप इस तरीके से पिनअप करके फिर इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। ये रफ सिलाई भी लगा सकते हैं और पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, ये बाहर नहीं दिखेगी तो ये अंदर की तरफ ही रहेगी। उसी हिसाब से आप ये सिलाई लगाएंगे। और इस फैब्रिक के ऊपर इस सिलाई लगाने के बाद आप बाहर की तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कर देंगे। तो ये सिलाई लग गई है और राउंड शेप में, और इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो काट दिया है, 1-1 इंच का मैंने मार्जिन रख लिया है। अभी इसी फैब्रिक को हम अंदर को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे, ताकि ये अंदर की तरफ से जो है फाइनल जो है इसकी लुक आ जाए। तो ये अंदर की तरफ से हम लगा रहे हैं, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये नेक का डिजाइन और नेक की शेप जो है वो तैयार हो गई है। अभी हम इस नेक को मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। इसको हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप नेक को फोल्ड कर लें और इसका सेंटर मार्क कर लें, और नीचे वाले मेन फैब्रिक का भी आप सेंटर मार्क कर लें। देन सेंटर के ऊपर सेंटर रखेंगे और इसको आप पिनअप कर लेंगे। यहाँ पे इसका सेंटर हम पिनअप कर रहे हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, और फिर हम नीचे से भी इसका सेंटर जो है वो पिनअप कर लेंगे। उसके बाद दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड भी हम इसकी पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद ये जो डिज़ाइन है वो मेन फैब्रिक के ऊपर सेट हो जाएगा। देन अभी हम ये सिलाई लगाएंगे। ये जो सिलाई है हमने बिल्कुल एजेस पे लगानी है, जो कैनवास है उसके साथ साथ हमने ये सिलाई लगानी है, और ये सिलाई इसी शेप में लगानी है जिस शेप में हमने इसकी कटिंग करी है। तो जैसे जैसे ये कट हैं उसी शेप में आप लगाएंगे। जब ये बीच वाला कट आ जाएगा वहाँ से आप नीडल को उठा के फिर आप टर्न करेंगे, और कुछ इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस सिलाई को आप जितना भी अच्छे से स्मूथली और अच्छी फिनिशिंग के साथ लगाएंगे उतना ही नेक की जो शेप है और अच्छी आएगी। तो आप इसी तरीके से ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 8 कट रखे हैं। अगर आप और बारीक कट चाहते हो तो आप और छोटा कोई लिड यूज़ करके ये कट बना सकते हैं। अगर आप थोड़े और बड़े चाहते हो तो आप थोड़ा बड़ा लिड यूज़ करके ये कट बना सकते हैं। तो इस तरीके से ही आपने ये जो है सिलाई लगानी है, और सिलाई लग गई है और ये बिल्कुल मैंने एजेस पे लगाई है। और अभी हल्का हल्का मार्जिन देते हुए थोड़ा थोड़ा कपड़ा आपने साथ में रखना है और फिर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से काट देना है। ये आपने उसी शेप में काटना है जिस शेप में हमने ये डिजाइन की कटिंग करी हुई है। तो अभी ये जो है कटिंग हो गई है। अभी इसके अंदर हम हल्के हल्के कट देंगे। हर ये जो कट है डीप कट है जहाँ पे, वहाँ पे आपने ये कट ज़रूर देना है। आपने सिलाई को बचाते हुए ये कट देने हैं, और कट देके इसके बाद अभी हम ये सीधे कर लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे, हर एक डिज़ाइन को अच्छे से सीधा कर लीजिए जितने भी ये कट हैं। सीधा करने के बाद ये हमारा जो है नेक इसके साथ अच्छे से अटैच हो गया, और कट भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है, सब कट एक जैसे लग रहे हैं। अभी यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लें ताकि हम कट को स्टेबल कर लें और फैब्रिक एक जगह एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा मोटा स्टेप करके कच्ची सिलाई लगा लें। कच्ची सिलाई हम बाद में निकाल देंगे जब हम इसको हाथ से तुरपाई कर लेंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक मोटी सिलाई लगा के ये जो है नेक को सेट कर लें।
तो ये सिलाई लगाने के बाद आपका ये नेक यहीं पे तैयार हो जाता है, अगर आपने इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। अगर आपने इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वर्क करना है तो ये सिलाई लगाने के बाद आपने जो भी लेस लगानी है या पर्ल्स लगाने हैं या कुछ भी जो भी आप इस पे एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हो वो इसके बाद आप कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी और लेस को भी इसी शेप में ही लगाऊंगी। तो आपने यहाँ पे अगर लेस अटैच करनी है तो कुछ ऐसी लेस लेनी है जो कि ईजली मोल्ड हो जाए और कट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट लेस है, सॉफ्ट लेस जो है ईजली एडजस्ट हो जाती है कट के ऊपर, तो मैं ये ले रही हूँ। इस लेस को मैं अभी इसके ऊपर अटैच करूँगी। तो यहाँ पे दो सिलाई लगेंगी दोनों तरफ लेस की। पहले हम बाहर वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जिस शेप में हमारे कटिंग आ रही है उसी शेप में आप लेस को थोड़ा ढीला करके रखेंगे और फिर ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ये एक स्पेशल टिप्स हैं आपके लिए कि जब भी ये कट वर्क के ऊपर लेस लगानी है हमने इसको थोड़ा सा ढीला करके ही रखना है। अगर आप बहुत खींच के लेस लगाएंगे तो आपके गले के डिज़ाइन और लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लेस जो है वो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी और गले को भी बहुत स्ट्रेच करेगी साथ में, जिससे आपके गले के डिज़ाइन की लुक ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे इसको रोटेट करते हुए आप लगाएंगे। जब आप इसको वापस ऊपर की तरफ टर्न करेंगे तो हल्का सा इसमें एक फोल्ड देंगे जो कि इसमें लेस में नहीं दिखता, और फोल्ड देते हुए फिर आप ऊपर की तरफ को इसको लेके जाएंगे। जैसे ये सिलाई लग जाएगी सेम तरीके से ही आपने दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर लगा देनी है लेस पे, और ये लेस जो है वो अटैच हो जाएगी और नेक हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना ही सिंपल है ये नेक बनाना और इसकी कटिंग करना। तो देखिए कितना ही आसान है ये नेक बनाना। आप अपने हिसाब से इसकी विड्थ और डीप रख के आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी टिप्स को फॉलो करते हुए ये नेक बनाएंगे तो बहुत ही आसान है ये नेक बनाना और बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में, और आपकी बोरिंग ड्रेस को बहुत ही अच्छी लुक देगा, ट्रस्ट मी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस कीजिए लाइक बटन। अगर आपको कोई कमेंट और सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऐसी मेरी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम और भी अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी स्टिचिंग।